प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। कल पूरे देश में बड़े ही सौहार्द के साथ ईद मनाई गई। देश में एक दो स्थानों पर हुई हिंसा को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में बड़ी ही शांति और उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बारिश के मौसम में भीगने के बावजूद रोड शो पर आयोजित ईद उल फित्र की नमाज में शामिल हुई। इस दौरान बनर्जी ने वहां एकत्रित लोगों से भयभीत न होने और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। वहीं ममता बनर्जी ने देश के कई राज्यों में बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत में चल रही अलगाव की राजनीति सही नहीं है। मुझे खुशी है कि 2 साल के अंतराल के बाद आप रेड रोड पर इस ऐतिहासिक ईद की नमाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। देश में स्थिति सही नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला और ममता बनर्जी ने क्या क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दे, रेड रोड पर ईद उल फितर की नमाज में शामिल हुए 14,000 लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि न तो मैं, न ही मेरी पार्टी और न ही मेरी सरकार ऐसा कुछ करेगी जिससे आप दुखी हो। इशराय करने वाले लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। डरो मत और आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखो। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रदेशवासियों से मिलकर रहने की अपील करते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उस ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जो देश को बांटना और लोगों पर अत्याचार करना चाहती है। एक दिन देखना, हम मिलकर इस ताकत को देश से हटा देंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि खुश रहे और मुझ पर विश्वास रखे। मैं आज वादा करती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं लोगों के लिए लड़ूंगी, चाहे वे मुस्लिम हों या हिंदू या सिख या जैन, क्योंकि मुझे जो ये लड़ने की ताकत मिलती है वो सिर्फ आप लोगों से मिलती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे बंगाल में लोगों के बीच एकता के कारण ईर्ष्या करते हैं और इसलिए वे मुझे गाली देते हैं, वे मुझे अपमानित करते रहते हैं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। मुझे पता है कि इन लोगों से कैसे लड़ना है। वहीं प्रदेश की जनता को बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे की याद दिलाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आपके अच्छे दिन भी आएंगे, क्योंकि मुझे झूठे अच्छे दिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं देश और प्रदेश में एकता चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चाहिए। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को ईद की बधाई दी। ममता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ईद मुबारक, सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। प्रार्थना करें कि हमारी ताकत इस इच्छा का बंधन और मजबूत हो। अल्लाह सभी का भला करे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।